हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टेक्निकल ट्यूरिंग यूट्यूब चैनल। तो यार, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूएस का फेक नंबर बनाने की। तो यूएस का फेक नंबर बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस जो जो मैं बोलूँ उसे फॉलो करना है। बहुत सिंपल है, आसानी से बन जाएगा। बस आपको मेरी स्टेप्स फॉलो करनी है, वीडियो कहीं स्किप मत करना वरना आपका नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो डिस्क्रिप्शन में दो ऐप मिलेंगे, एक होगा VPN, एक होगा आप ऐप नंबर देने वाला ऐप, ठीक है। तो इन दोनों को इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको VPN स्टार्ट करना है, ठीक है। VPN ये रहा, जब आप इसे पहली बार खोलोगे तो यहाँ पे आपका एक ऐड शोन होगा, उसे ऐड को कट करके जब आप इसे पहली बार कनेक्ट करोगे तो आपका VPN रिक्वेस्ट मांगेगा, उस VPN रिक्वेस्ट को अलाउ कर देना। जैसे ही आप अलाउ कर दोगे, फिर यहाँ पे नीचे सेलेक्ट लोकेशन आएगा, इसे क्लिक करना और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना US न्यूयॉर्क के लिए, न्यूयॉर्क सिटी के लिए, ठीक है। तो न्यूयॉर्क सिटी, ये रहा यूनाइटेड स्टेट न्यूयॉर्क, इसे कनेक्ट करना है। और ध्यान रखना कि ये ऐप को कनेक्टिंग होते समय बीच से कट नहीं करना, जब तक ये आइकन ऐसे ना बन जाए, कनेक्टेड ना लिख के आए, तब तक इसे कट नहीं करना। कुछ बंदे जल्दी जल्दी में कनेक्ट करके इसको रीसेंट से हटा देते हैं, इसे रीसेंट में चलने देना वरना VPN सही से कनेक्ट नहीं होगा और नंबर नहीं मिलेगा। ये इतना चीज़ होने के बाद इसे रीसेंट में डालना, ऐप पे वापस आना, इसके आइकन को क्लिक करना, ऐप इन्फो पे जाना और यहाँ पे सारी परमिशंस अलाउ कर देना कॉल के लिए। और एक बात और याद रखना, इस ऐप में OTP नहीं आता है, कॉल आती है। कॉल भी आपको पिक नहीं करनी है, ठीक है। आपको कॉल पिक नहीं करनी है, उसे सिर्फ चलने देना है। जैसे कॉल ख़त्म हो जाएगी तो ये खुद पे खुद दो से तीन मिनट के बाद एक वॉइस मेल भेजेगा, उस वॉइस मेल से आपको कोड उठा के डालना है। इतना काम हुआ, इसे बैक लो। अब इसे ओपन करो, ये रहा। सबसे पहले ये आएगा, इसे स्किप करना। और एक चीज़ ये याद रखना, जब आपका VPN अगर सही से कनेक्ट हुआ होगा तब आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपका VPN सही से कनेक्ट हुआ होगा तो आपको ये वाला ऑप्शन देखने को ज़रूर मिलेगा। जब तक ये वाला ऑप्शन देखने को ना मिले तब तक आपका VPN सही से कनेक्ट नहीं हुआ और तब तक आपका नंबर नहीं बन सकता। जैसे ही आपके में ये क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आया, इसे क्लिक करना। अब यहाँ पे आपको एक नंबर शोन होंगे, इन नंबर को डायरेक्टली ले मत लेना, ठीक है। मतलब डायरेक्टली उठाना नहीं है, सबसे पहले इनकी वैलिडिटी चेक करनी कि ये व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं, बैन है या इन पे कोई इश्यू तो नहीं है। तो सबसे पहले वाला नंबर लेते हैं 858, ये रहा व्हाट्सएप, यहाँ प्लस वन डालना है 858, नंबर था 360 3502, इसे क्लिक करना है। ये नंबर अवेलेबल है तो बस आपको ओके नहीं दबाना है, बस इतने रखना है, इसे वापस रिसेंट में डालो, यहाँ पे रहो, ये वाला नंबर उठा लेना आप वापस से, ये वाला नंबर उठा कंफर्म दिस नंबर पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आपको अपना कोई भी ईमेल एड्रेस डालना है, बस ईमेल हो, कुछ भी लिख दो, कोई ज़रूरी नहीं है कि रियल डालो। कुछ भी पासवर्ड डाल दो, सेम होना चाहिए। और यहाँ पे आपको 21 से 34 ईयर ओल्ड ही लिखना है और आइडेंटिटी में एज अ मेल लिखना है बस। अब इतने में रजिस्ट्रेशन कर देना है, ये ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए आएगा, ह्यूमन वेरीफाई करना है बस, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, बस आपका काम हो गया, आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, नंबर आ जाए, यहाँ पे आपको एक ऐड शोन होगा, आप उस ऐड को क्लोज करना है, ये क्लोज करना है क्योंकि हमें नंबर मिल चुका है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पेमेंट लेने की। बस ये याद रखना है, ये जो नंबर हमें मिला ये एक हफ्ते तक है, जिसपे इस पर कॉल सिर्फ 2 से 3 डेज ही आती है फ्री ट्रायल के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा नंबर, ये रही हमारी कॉल मिस्ड, यहाँ पर वॉइस मेल आएगा, यहाँ पे वॉइस मेल आएगा, यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है।
इसे क्लोज कर देना। ठीक है, अब इसे रीसेंट में चलने देना। अब यहाँ पे चलना, यहाँ पे 1 आवर का इशू आएगा, उसे कुछ नहीं करना, उसे करने दे। कॉल मी पे क्लिक करना, यहाँ पे अब आपके पास एक कॉल आएगी, उसे पिक मत करना, 1 घंटे बाद कॉल आएगी। ठीक है, तो 1 घंटे बाद इस पर कॉल आ जाएगी। ठीक है, वो कॉल यहाँ पर आएगी, उसे आपको पिक नहीं करना, उसे सिर्फ चलने देना। यहाँ पे आपके पास एक वॉइस मेल आएगा, 2 से 3 मिनट वेट करना, उसके बाद एक वॉइस मेल आएगा। वो वॉइस मेल पे आपको वॉइस सुननी है, उसे सुनने के बाद यहाँ पे कोड डालना है, कोड डालने के बाद 2 स्टेप लगाना है और उस नंबर से छोड़ देना है 1 दिन के लिए। उसे किसी को मैसेज नहीं करना है, ना किसी ग्रुप में ज्वाइन होना है। इतना करने के बाद ये आपका नंबर हो जाएगा। फिर आपको अनलिमिटेड नंबर लेना है, फिर से आपको इसी का डाटा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लॉग मी आउट कर देना, क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन फिर से आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई US नंबर बनाने की बात। ठीक है, तो अब मैं इसी के ज़रिए एक UK का नंबर बना के दिखाऊंगा, वो होगा अगली वीडियो में। उसमें करना कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और शेयर कर देना वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।